अपने तेज तर्रार और मारक भाषण की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले युवा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार कन्हैया कुमार सियासी चर्चा का विषय इसलिए बने हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपनी नई वर्किंग कमेटी में कन्हैया कुमार को शामिल किया है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को वर्किंग कमेटी में शामिल कर न सिर्फ उनका राजनीतिक वजन और अधिक बढ़ा दिया है बल्कि एक साथ कई सियासी संदेश भी दे दिए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बीते दो साल में कन्हैया कुमार का कद कांग्रेस में कितनी तेजी से बढ़ा है। कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री। कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग 17 साल का रिश्ता तोड़कर कन्हैया कुमार सितंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उस दौरान कन्हैया कुमार को खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस में शामिल कराया था और उसके जरिए राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य युवाओं के हाथ में रहेगा। कन्हैया कुमार 2021 में ही कांग्रेस से जुड़े और महज दो साल में ही वो कैसे पार्टी के प्रभावशाली नेताओं में शुमार हो गए, अब ये समझते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में छाए रहे कन्हैया कुमार। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी तो वो थे कन्हैया कुमार। यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर करते नजर आए थे। कभी वो अशोक गहलोत के साथ नजर आते थे तो कभी जयराम रमेश के साथ। राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार की करीबी। बताया जाता है कि कन्हैया कुमार की पहुंच सीधे राहुल गांधी तक है। कन्हैया कुमार राहुल के करीबी नेताओं में शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने में भी उनका अहम रोल माना जाता है। वो पूरी यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ चले थे। कन्हैया कुमार की पार्टी आलाकमान तक सीधी पहुंच उनके महत्व को और अधिक बढ़ा देती है। NSUI के प्रभारी बने। बीते दिनों ही कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को अपनी स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI का इंचार्ज बनाया था। उस दौरान कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि कन्हैया कुमार को NSU इंचार्ज बनाया जाता है और ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कन्हैया कुमार। कांग्रेस ने अपनी नई वर्किंग कमेटी में कन्हैया कुमार को शामिल किया है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही कन्हैया कुमार को NSUI का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया था लेकिन वर्किंग कमेटी में शामिल कर कांग्रेस ने उनका राजनीतिक वजन और अधिक बढ़ा दिया है। कन्हैया का आक्रामक अंदाज। कन्हैया कुमार की छवि आक्रामक अंदाज वाले युवा नेता की रही है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कन्हैया ऐसे नेता हैं जो अपने भाषण से लोगों को बांध सकते हैं। कन्हैया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो BJP की राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की नीति का आक्रामक जवाब देते हैं। कई बार ऐसा देखने के लिए भी मिला है कि कन्हैया कुमार सत्ता पक्ष के नेताओं को निशब्द कर देते हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में और रैलियों में कन्हैया कुमार को बतौर वक्ता और बतौर प्रचारक अच्छी खासी तवज्जो मिल रही है। कन्हैया कुमार के इसी बढ़ते कद को देखते हुए बीते दिनों ये चर्चा थी कि पार्टी उन्हें या तो राज्यसभा भेज सकती है या फिर बिहार या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि ये दोनों बातें सिर्फ अफवाहें बनकर रह गई। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दो दो महत्वपूर्ण पद दिए लेकिन बिहार में उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बिहार में गठबंधन की वजह से उन्हें बिहार से दूर रखा जा रहा है, उनका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजनीति में किया जा रहा है। अचानक कन्हैया के बढ़ते कद को देखते हुए बीजेपी की ओर से इसे कांग्रेस का तुष्टीकरण कहा जा रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर ये साबित किया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठ सकती। जिस कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, देश के खिलाफ नारे लगाने का आरोप है, उन्हें कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस कन्हैया के जरिए RJD पर भी दबाव बनाना चाहती है। दरअसल कन्हैया के रूप में कांग्रेस पार्टी को युवा नेता, बिहार में पार्टी को पुनर्जीवित करने का जरिया और बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से जवाब देने वाला प्रखर वक्ता मिल गया है जिसकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि कांग्रेस को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बीते दो साल में कांग्रेस में कन्हैया का कद काफी तेजी से बढ़ा है।